अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान डॉपलर्स में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका एडमिन जवाद मेमन। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल रात हमने अपने पेज वेदर अपडेट्स पीके और ग्रुप कराची डॉपलर्स पर सिंध में आने वाले एक नए सिस्टम के बारे में एक मेजर अपडेट इशू की थी। आज का हमारा टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक भी इसी यही है और इसे आप अपडेट नंबर 5 कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंध और साउदर्न पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक और मानसून का सिस्टम जो सितंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, वो उसकी क्या सिचुएशन है और उसके अब तक की क्या अपडेट्स हैं, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों को नोटिफाई हो सके। तो दोस्तों, अब तक की सिचुएशन के हिसाब से जिस तरीके से हमने कल रात को अपडेट किया था कि ये लो प्रेशर सिस्टम यानी कि टेम्पेस्ट थ्री का नाम इसे मैंने इसलिए दिया है ताकि लोगों को इसको समझने में आसानी रहे और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये इस वक्त एक वीक लो प्रेशर सिस्टम के स्टेज पर है और मध्य प्रदेश से जो है ये स्लोली वेस्ट यानी कि सिंध की तरफ मूव कर रहा है। जिस तरीके से आप ये सर्कुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये लो प्रेशर सिस्टम है और इस वक्त जो है वो गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों से जो है वो अच्छी बारिश की अपडेट्स भी मिल रही हैं। अब आज शाम या रात तक जो है मैक्सिमम ये लो प्रेशर सिस्टम काफी हद तक जो है ये वेस्ट यानी कि गुजरात और राजस्थान के आसपास मौजूद होगा और इसके आज शाम और इस रात से जो है वो इसके कुछ असरात जो है वो हम ईस्ट साउथ ईस्टर्न सिंध यानी कि थर नगर पारकर इस्लामकोट रीजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने कल रात को आपको टेक्स्ट की फॉर्म में अपडेट किया था। उसके बाद जब फर्दर ये कल जब ये सिस्टम मजीद मूव करेगा सिंध की तरफ, तो इसके असरात जो हैं वो सिंध के अक्सर एरियाज में फैल जाएंगे जिसमें कराची भी शामिल है। और कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया था कि वेनसडे की शाम या रात से जो है वो इसके इफेक्ट्स काफ़ी हद तक आना शुरू हो जाएंगे और वेनसडे की रात और थर्सडे वाले दिन ये सिस्टम अपने पीक पर होगा, स्पेशली कराची और लोअर सिंध जबकि थट्टा बदीन ये जो सारे केटी बंदर ये जो सारे रीजन्स हैं इन पर जो है वो कम से कम 20 से 40 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 90 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इस दफ़ा इस सिस्टम की खासियत ये है कि चूंकि ये एक वीक लो प्रेशर सिस्टम है और जब ये सिंध की तरफ भी मूव करेगा तो ये स्टेज 1 लो प्रेशर सिस्टम यानी कि एक वीक लो प्रेशर होगा, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से मैंने बताया था पहले कि अरेबियन सी यानी कि बहरा अरब की जो सतह समंदर है वो इस बार जो है वो कुछ हद तक थोड़ी सी गर्म है, जिसकी वजह से इस लो प्रेशर सिस्टम को जो है वो अरेबियन सी इस दफ़ा काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आप एक देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी के ऊपर एक बहुत वीक यूएसी भी इस वक्त एम्बेडेड यूएसी भी मौजूद है जो कि आने वाले इस सिस्टम को काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट कर सकता है। और जिस तरीके से कल रात मैंने अपनी अपडेट्स में इसका पाथ शो किया था कि ये इस तरीके से जो है वो सिंध और कच्छ के रीजन से होता हुआ इसका सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये अरेबियन सी की तरफ मूव करे और ये जो यूएसी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक जो है इसे सपोर्टिव रीजन में रखेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारी अच्छा अब बात कर लेते हैं आने वाले सिस्टम की कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम 30-31 तारीख तक हमारे पास मौजूद होगा टेम्पेस्ट 3, उसी दौरान जो है एक और सिस्टम यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक और सिस्टम जो है वो फॉर्म हो रहा होगा, जिसको आप यहाँ इस एरिया में काफी हद तक देख सकते हैं। मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ, ये रीजन आप देख सकते हैं, ये एक और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम जो है यहाँ पर बन रहा है और आने वाले दिनों में जो है ये बे ऑफ बंगाल में भी फॉर्म करेगा। और अब तक के अपडेट्स और अब तक के प्रोजेक्शंस के हिसाब से जो है इसके भी तकरीबन 50-70% चांसेस हैं कि ये भी साउदर्न पाकिस्तान यानी के सिंध की तरफ ही मूव करे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी बात की जाएगी और ये अब तक की हमारी
फाइनल अपडेट्स थी इस सिस्टम के हवाले से। अब अगर कोई मेजर चेंज नहीं आता तो हम और कोई फिलहाल जो है वो मेजर अपडेट अब इशू नहीं करेंगे, क्योंकि अब वक्त है नाउकास्टिंग अपडेट्स का। अब जो भी रियल टाइम अपडेट्स डेवलपमेंट्स हो रही होंगी उसके बारे में हम इंशाल्लाह वक्तन फ़ावक्तन जो है आवर्ली बेसिस के ऊपर जो है आपको ग्रुप और पेज के ऊपर अपडेट इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे मूव करेगा वैसे वैसे जो है उसकी जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आप लोगों को इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी अब तक की इम्प्रूवमेंट कैसी लगी और मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आप हमारे उसमें देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।